हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल कीप शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और उसका नाम है चतुर टॉम। तो एक बार की बात होती थी, एक लड़का टॉम नाम का रहता था किसी शहर में अपनी मौसी के साथ, अपनी पाली मौसी के साथ। और वो बहुत नटखट और शैतान था, वो बहुत शैतानी करता था। लेकिन पॉली मौसी उसको मतलब शांत करती थी अपने आप को। लेकिन एक बार उसने बहुत शैतानी कर दी और उसकी पॉली मौसी गुस्सा हो गई बिल्कुल ऐसे। और फिर वो कहने लगी कि तुम बहुत शैतानी करते हो, अब तुमको एक बहुत बड़ा सा काम दूंगी मैं। तो कहने फिर उसकी मौसी ने उसको बाहर ले गई, कहा कि ये जो फेंस है, जो फेंस नहीं होते फ्रेंड्स जिसमें वो सब खेत खेत लगा होता है, फेंस में फेंस की पूरी पुताई तुमको करनी है सफ़ेद रंग से। और वो कहने लगा मौसी आज तो कितना बहुत अच्छा मौसम है, मुझको खेलने देने दो। तो उसकी मौसी ने कहा नहीं। तो उसने चालू किया, उसका आधा हो चुका। और फिर उसके एक दोस्त आया, वो उसको चिढ़ाने लगा, अरे लो इतना इतना तुम करते रहते हो काम, मेरे को देखो आराम से खेल रहा हूँ। फिर उसने अपने दिमाग से सोचा कि मैं इसको अपने फंसा देता हूँ। तो कहने लगा अरे इस काम में तो मुझको बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा काम है। तो वो उसको फंसा के उसने कहा कि मैं भी ट्राई करूँ। तो उसने कहा भाव में कहा नहीं, वे तो बहुत अच्छा काम है। तो उसके आगे वो हाथ जोड़ने लगा, तो उसने अपना पेंट ब्रश दे दिया और करने लगा। और बदले में उसने उसको अपना सेब दे दिया जो वो खा रहा था, उसकी जेब में रखा था। तो वो ऐसे ऐसे खा तक के बैठ गया और वो लोग दीवार लगाए गए थे वो, और उसके और दोस्त आ गए। तो और दोस्त ने कहा मैं भी करूँगा। तो 5-6 दोस्त आ गए, वो सब पुताई करते रहे। तो वो पूरा 3-4 बार वो फिर से पुत गया। फिर सारे दोस्तों ने सोचा अरे ये हम लोगों को हटा देगा काम से, इतने अच्छे काम से। तो सब लोग उसको सामान दे रहा है, कोई चूड़ियाँ दे रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कुछ खाने को दे रहा है। फिर काम जैसी हो गया, सब लोग चले गए। और फिर वो अपनी मौसी को कहा मौसी देखो मैंने पूरी पुताई कर दी 3-4 बार। उसकी मौसी ने कहा नहीं मैं चेक करूंगी। तो उसकी मौसी ने अपनी आंखें से देखा, कहा वो बहुत आश्चर्य, कहा वाह इतना अच्छा तुमने पुताई कर दी पूरे, ऐसे देखती रहे। तो उसने कहा हाँ। तो उसकी मौसी ने उसको शाबाशी दी और उसको एक सेब दूसरा दे दिया और वो अपना आराम से खेलने निकल गया। तो इस कहानी का मोरल है ये कि कभी भी हमको सोच समझ के किसी काम को करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।